लोग दो शब्द बोलिए। हरियाणा ने परम पूज्य महाराज जी उनके शिष्य बहन तथा धर्म प्रेमी जय जो सदियों तथा प्यारे बच्चों, मैं श्री सनातन धर्म रविंद्र कुमार जी और विष्णु मंदिर कमेटी और तथा आप सभी की ओर से महाराज जी का और उनके शिष्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी को आने के लिए धन्यवाद है। और दो चार शब्द में अवश्य कहना चाहूंगा कि लगातार दो दिनों से महाराज जी बहुत सुंदर प्रवचन और बहुत शिक्षा पर बातें बताई और कई ऐसी जो संशय हमारे मन में था उनको और उनका निवारण उन्होंने किया। कुछ सवालों का भी जवाब दिया जो यहाँ पर उपस्थित थे उनको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। साथ साथ में मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि कल अंतिम दिन है और हो सके तो आप जो नहीं आ पाए उन तक ये संदेश पहुंचा देना। और एक बात मैं बोलना उचित समझता हूँ कि जो भारतवर्ष का भ्रमण किए होंगे या अगर आप नहीं गए होंगे तो आपको एक मौका है कि ऐसे संत जन हमारे समक्ष इतने दूर से आते हैं और इतना अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए और मौका खोना नहीं चाहिए। अगर आप भारतवर्ष गए होंगे तो आप देखे होंगे, अगर आप महाराज जी के आश्रम में जाओगे तो महाराज जी के पहुंचने के लिए आपको दो चार गाइड का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर हजारों में लोग रहते हैं और उतना अधिक पैसा आपको गाइड को देना पड़ेगा कि आपको वहां तक पहुंचाए। मगर यहाँ पर मुफ्त में हमको शिक्षा पर बातें सुनने को मिलते हैं और हमको इससे लाभ उठानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कल आप आएंगे और अपने साथियों को भी लाएंगे। और कल रात्रि अंतिम दिन है और कल रात्रि सभी के लिए भोजन का यहाँ पर प्रबंध रहेगा। आप कृपा करके आए और महाप्रसाद को ग्रहण करके जाएं। आने के लिए धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर्याजुहौ पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम शरणम्। सप्रथम है अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपास श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा दंडवत नति पूर्वक। और इसके पश्चात में अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपास श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। पश्चात उपस्थित वैष्णवगण, सज्जन वृंद, माताएं बहने और बेटियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग सन्यासी हैं और विश्व भर में भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के हम लोग यहाँ पर आए हैं। कोई भी अपना कोई भी स्वार्थ के लिए नहीं हम लोग आए।
लोगों की कुछ सहायता हो सके और अपने जीवन में, इस जीवन में और दूसरे जीवन में भी सुखी हो सके, केवल इसी के लिए हम लोगों का प्रयास आना है। अभी बात वहां पर हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा आने का उद्देश्य आपका क्या है। हमने कहा समाज कुछ बहक रहा है, भागना जानते हैं, लाइन से कुछ च्युत हो रहा है, आज लोग दूर तक की नहीं सोच पाते। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जिस समाज में महिलाओं का आदर नहीं होता, उनको माता बहन और कन्या के रूप में नहीं जाना जाता, अर्धांगिनी के रूप में अपनी पत्नी को अर्धांगिनी आधा अंग और बाकी सब महिलाओं को माताएं, और अपनी जो समय अपने वयस्क की जो उम्र की हैं वो अपनी बहनें और सबको अपनी बेटी समझना चाहिए। जिस समाज में ऐसा नहीं होता उस समाज का पतन होता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। किंतु जिस समाज में लड़कियां ही नंगी होकर के चले और वही शराब पिए और वही गंदे काम करें, तो फिर उसको बहन कैसे और माता कैसे बना सकते। इसलिए बहनों और माताओं का भी कुछ आजकल दोष है, वो लोग भी अपने को सुधारने की चेष्टा करें। अभी मैं अमेरिका में कनाडा में गया था, वहां पर एक बड़े हमारे पंजाबी भाई थे, उनकी उम्र करीब करीब 50-60 के करीब थी, वो आकर के रोने लगे। मैंने कहा क्या बात हुई, किस लिए रो रहे। महाराज जी मैं पंजाब में बहुत सुखी परिवार का था, मैं वहां पर इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, गोल्ड मेडलिस्ट में हूं, और फिर यहां से कुछ और अधिक रुपया कमाने के लिए मैं यहां आया अपनी पत्नी के साथ में कनाडा में। बहुत रुपया कमाया, बहुत रुपये कमाए जिसका हद नहीं, और हमारा एक ही लड़का और एक लड़की है। लड़की हमारी करीब करीब 20-21 वर्ष की है। क्या कहूं, आया था धन कमाने के लिए और सुखी होने के लिए, किंतु मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अभी 3-4 महीने पहले मेरी लड़की एक अपने गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ में आई, शराब पिए हुए थे, उसके आधे अंग खुले हुए थे और हाथों में भी बोतल की शराब की बोतल थी और गन था, पाइप गन। मैंने उसे कहा जैसे बेटी ये हमारे कुल की रीति नहीं है, तुम क्या कर रही हो, तुमको इसीलिए नहीं पढ़ाया, हम भारत छोड़कर के अपने इस चीज को बेचने के लिए हम लोग नहीं आए, और तुझे क्या कर रही है। तो अधिक बोलेंगे तो अभी अभी बंदूक शूट कर देंगे, अभी एक सेकंड के अंदर में चुपचाप बैठ गई। और हमारे घर में ये होता रहा, मैं देखता रहा, मैं सोचा जैसे फांसी लगा लूं या विष खा लूं या क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यदि भारत में मैं लौटूं तो अब लौट करके मैं वहां क्या करूंगा, और यदि यहां रहता हूं तो यहां क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी करने का फल भोगिए, आपने उनको उचित शिक्षा नहीं दी, इसका यह समाज ऐसे बहक रहा है। यहां पर भी ऐसा ना हो, एक दिन के लिए एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कर ली, या दूसरे के बाद में लड़के एक दो हो गया, इसके बाद वो डाइवोर्स करके दूसरे किसी प्रेमी के साथ में चली गई, जीवन बर्बाद हो गया, वो लड़के नहीं जानेंगे कि हम किसके पुत्र हैं। वो समाज कैसे उन्नत हो सकता है, व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए हमारी बहनें बेटियां और माताएं भी इस चीजों को सीखें, और हमारे भाई लोग भी इस चीज को सीखें, इसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे गुरु ट्रेनिंग होता है, मास्टरों का ट्रेनिंग होता है, ऐसे फादर मदर का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करें जिससे कि वो जीवन में सुखी रह सके।
आज हम देखते हैं कि घर घर की समस्या है। भारतवर्ष में मैं जब था, बंबई में था एक बार, तो भारतवर्ष के समस्त ध्वनियों में हिंदुजा परिवार है एक, आप शायद जानते हो या ना, बहुत धनी, अगाध धनी वाले, और कितने उनके सदाचार और कितने क्या है उसका कह नहीं सकता। उन्होंने अपने घर में निमंत्रण किया मुझे, मैं गया, कुछ समय बैठा, बातचीत होने लगी। इतने में मैं समझता था ये बड़े सुखी लोग होंगे, किंतु मैं जानता हूं कि सुखी नहीं हो सकते। उनका एक लौता बेटा जो बड़े बड़े भाई हैं, अशोक हिंदुजा, उस सारे विश्व में अपना कंट्रोल करते हैं, बिजनेस तरह तरह के हैं, उनकी कितनी आमदनी है कोई था नहीं है, और कितना खर्च करता है ये भी था नहीं। वो पिछले वर्ष उनका एक ही लड़का था, वो 22-23 वर्ष का, और उसने जहर खा लिया। उसके माता पिता भाई लोग सभी लोग पागल हो गए। मैंने कैसे खाया चीज, वो एक सुंदरी ऑस्ट्रेलियन गर्ल के साथ में शादी करना चाहता था, किंतु उस लड़की ने इनकार कर दिया, बस उसने विष खा लिया और मर गया। तो बतलाओ, वो धन और ये सब कुछ रह करके क्या किया, सभी पागल हो उठे। हमने बहुत उनको सांत्वना दिया, कहिए भगवान का स्मरण कीजिए तभी आप सुखी रह सकते हैं। बच्चों को आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी, कभी कथाओं में नहीं ले गए, उन लोगों ने सुना नहीं, आत्म तत्व के संबंध में नहीं सुना, सोचा यही शरीर ही सब कुछ है और धन ही सब कुछ है, कहां आपका धन क्या किया। इसलिए आप लोग विचार करें, अपने बेटा बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देंगे, नहीं लेंगे वो आप लोगों को नहीं मानेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आजकल घर घर में समस्या यही है, तो जिसमें यही समस्या तो वो भगवान का भजन क्या करेंगे। जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं वो भगवान की सेवा क्या करेंगे। वो तो कहते हैं ये बाइक एक्सीडेंट हम पैदा हो गए, वो तो अपने भोग के लिए वो मिल रहे थे, हम पैदा हो गए, इसलिए उनके ऋणी किस लिए है माता पिता का, वो नहीं मानते हैं। इसलिए ये सब शिक्षाएं होनी चाहिए, बीच में संतों को बुलाना चाहिए जो इस विषय में परफेक्ट है, जो आचरण करते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, उससे बहुत परिवर्तन हो जाता है, समाज सुखी और ठीक रहता है। ऐसे प्राचीन सब कितने उदाहरण पड़े हैं, क्यों भजन करना चाहिए हमें, जरूरत क्या है। एक आदमी को धन है, संपत्ति है, 10-20 कारें हैं और बहुत से उसके बिजनेस वाणिज्य और सब कुछ है, भजन किस लिए करना चाहिए, वही वी शुड डू भजन। कैन यू टेल समथिंग 10 मिनट्स। इफ यू आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड विथ फादर मदर एंड होल फैमिली, वही वी शुड डू भजन, व्हाट इज द नीड। 10 मिनट्स, नॉट मोर। महाराज चरित्र बोले दिए तो कल के ভালো আছে।
I offer my respectful greetings to all of the Vaishnavas present and all of the respectable ladies and gentlemen present. By the mercy of the sadhu, by the mercy of guru, one can have a proper vision of this material world. One can see what is the true nature of this world. This is called Atma-Gyan, or understanding the truth of the soul, Atma-Tattva. Through the mercy of the Vedic Shastras, this knowledge comes down within this world through the system of parampara. That eternal system of parampara, of guru and disciple, passing this knowledge down through guru and disciple, is the unbreakable system within this world by which we receive this divine knowledge. Without receiving this knowledge in this way, it is not possible to approach the absolute truth that is called God or Bhagavan. So within this world, there are so many different systems of knowledge that we see present today. And so many so-called religious ideas and theisms. But all of them have so many imperfections, because they do not even answer the basic question of life: why am I suffering here within this material world? It is a fact that all of us are suffering. No one can escape this. From the moment of our birth, we suffer. We go through this life constantly being inflicted with the what are called the threefold miseries of this world: adhyatmik, adhibhautik, and adhidaivik. Adhyatmik miseries means that there are so many problems caused by the body which we possess. We get sick, we get so many pains, so many injuries, etc. And also of this material mind that we have. So many worries and problems, so many distresses and anxieties. Sometimes a man becomes so distressed in his mind, even though his physical condition is quite alright, but his mental condition is suffering so much that he decides to take his own life and end it all. So in this way, this adhyatmic miseries are coming to every single living being in this world. And adhibhautik misery means that sometimes other living beings are causing troubles for me. They may be in the form of insects biting me, or dogs barking, or other human beings causing me some kind of problem, or lodging a lawsuit against me. In so many ways, we receive problems from other living beings. That is called adhibhautik. And adhidaivik means that the material nature in which we are living, the environment in which we are living, is inflicting so many troubles and miseries upon us in the form of severe weather conditions, hurricanes, cyclones, too much rain, too little rain, too much heat, too cold. So the entire situation of our life is full of these threefold miseries, from the beginning of life until the time that we leave our material body. And in between this time period, we have to suffer from janma mrityu jara vyadhi. Jara means old age. No one can say, I will not become old. No matter how much we try, and modern civilization today is trying very hard. They have created so many cosmetic products. They have devised so many medical processes by which they can try and preserve the material body longer, facelifts, etc. In the Western countries particularly, this is very popular, because everyone wants to try to prohibit old age from coming. But no one has been successful. Old age will come to all. And finally, at the end, our death will come,
and we will suffer from so many problems in old age, our hair falling out, teeth falling out, and finally this whole material body will fail. But the fact of the matter is, that is not the end, because we will have to go to another situation again after this life, and again we will have to suffer the same cycle of repeated janma, mritu, jara, vyadhi. So we should understand what is our position within this world. And the Vedic knowledge is teaching this. And the Vedic knowledge is coming down through divine preceptors. This is called the Guru Parampara. But in the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna has stated, Evam Parampara Praptam Imam Prajarsha Yo Vidu Sakale Neha Mahata Yogo Nashta Parantapa. That this divine knowledge has come down through the system of parampara, and it has come down through the Rajarshis, those great kings of ancient Bharat, who were rishis. They were saintly kings. They understood this true knowledge, and this was handed down by this system of the cyclic succession. But sakaleneha mahata yoga nashta parantapa. The nature of this material world is that gradually everything is disintegrating. Everything is disintegrating within this world, gradually decreasing. And similarly, even the pure divine knowledge sometimes becomes ameliorated by the material nature, and it is altered, it is changed. But only the pure system of divine Vedic knowledge has come from the land of Bharat. And this is the glory of India, actually, because only from India can all the questions and problems of life be solved. Because there it gives you the detailed information of what will come after this life, and what is there in the supreme Paramdham of the supreme Lord who has created everything. No other system will give you this information. But in the Vedic knowledge, this information is given very vividly. So much information is given in the Mahabharata, in the Vedas, the four Vedas, Chatur Ved, so much is given in the Upanishads, so much is given in the Puranas, and particularly, the cream and essence of all of these Vedic teachings is given in the Mahapurana, which is the Amala Purana, the spotless Purana, called Srimad Bhagavatam. This is the conclusion of all Vedic teachings. And in there we will find so many descriptions of the Supreme Lord Sri Bhagavan, who comes within this world and exhibits his eternal pastimes within this world for the benefit of uplifting all of the fallen souls here. So only through this system of disciplic succession can we receive this divine knowledge. But unfortunately, in this age of Kali, it is a prominent fact that even from India, from the land of India, so much of this knowledge has been lost. And we see in so many countries of the world, the people from the land of India, of Bharat, have come to settle in different parts of the world, just like here in Fiji. And because the system was so strong from previous centuries, they are still able to maintain, to some extent, this proper knowledge. But in actuality, if there is not a correct guide, a guru, who is a tattva-darshi, who knows the supreme truth and is able to see the supreme truth, then gradually this knowledge will be lost, and we will find so many imperfections, and gradually people will also lose interest. But this is the highest benefit that one can obtain in this human form of life, is to come into connection with a divine guru who has this spiritual knowledge and who has realized this truth himself, because he can give this truth to us. So in the Bhagavad Gita, Krishna has stated that he has recommended to Arjuna, Tadvidhi pranivatena pariprashnena sevaya upadeshantite jnanam jnaninas tattva-darshina. That if you want to understand this divine knowledge, Tadvidhi, this truth, this special knowledge, then you must go to a tattva-darshi, and you must
what is called pranipat. Pranipat means that you give yourself to that person by offering respectful obeisances at his feet, and with a very submissive heart, you question, "Oh, my dear sadhu, my dear Guruji, what can I learn from you? You please instruct this knowledge to me." Upadek Shanti, Te Gyanam. He can give, he can impart this knowledge. So, pariprashna is necessary. To be very inquisitive, to be asking, what is the supreme goal of my life? How can I attain my supreme benefits? Please inform me of this. And the Guru will explain to you that your benefit is not here within this world. No matter what arrangement that you try to make within this world, no matter how much wealth that you try to accumulate within this world, you will remain dissatisfied. Because this world is not your real home. The Atma is from another realm. And the Atma is misplaced within this world. Just as a fish that is taken out of the water can never be properly happy and situated. It will simply flap and gradually die. So similarly, because we are Atma, Jivatma, we can never attain real true happiness within this world, no matter how many arrangements are made. Modern science today is trying to make so many arrangements. They have made so many inventions to advance technology so that our lives can become better, so to speak, so that it can become easier for living, that we can become free from our suffering. But they have not achieved this yet. No matter how advanced they become in modern medicine, still so many diseases are coming. In fact, more diseases are coming now than have ever come in the past. We even find that in Western developed countries, there is the highest rate of cancer, heart disease, and all of these types of diseases. Because the civilization that they have created is so artificial. There are so many pollutants within the atmosphere. There is so much anxiety of life because they have lost the goal of life. They do not understand what is the real goal. That I must obtain the true wealth of my soul. And that wealth is to be reconnected with our eternal relationship with the Supreme Creator. For this reason only have we come to this human form. And if we do not realize this fact, in this human form of life, it is a very special opportunity we have been given. We have been given intelligence to investigate the source of our existence. No other species of life has this intelligence. But if we misuse this intelligence, then again we can fall back down to the lower species of life and lose this opportunity for millions of years. So we must understand by the inspiration of Vedic knowledge, and by the lips of the true sadhu guru, that our real benefit will lie in performing the activities that are prescribed in the Vedas. And specifically in this age of Kali, there is a very clear direction given. It is said there that in this age of Kali, if we want to achieve perfection, if we want to obtain God realization, and we want to obtain complete happiness, then we must take the process given in this age. And that is said there, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Eva Kevalam. Three times it is stated. Because it is giving emphasis that in this age of Kali, if we want perfection, we must chant the holy names of the Supreme Lord. Because these names have been specifically empowered in this age to deliver us from all the evils of Kali Yuga. And without this, Kalova, Nasteva, 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 Gatir Anyata. We will not be able to attain perfection in any other method. Not like in previous yugas, we have been hearing the past couple of days, that in Dwapara Yuga, in Satya Yuga, in Treta Yuga, there are different dharmas, different yuga dharmas. But those yuga dharmas will not be as effective in this age of Kali. Therefore, the yuga dharma for this age of Kali is Harinam Sankirtan. So if we want our true benefit, then we should understand that this human form of life is very rare, it is very precious, and it is also a very short period of time. Only a few short years we have, and then we will go into our next body, and we do not know what that body will be.
So we must take very seriously the chance and opportunity that we have at present, and we must try to apply ourselves diligently and follow the directions of Guru, Sadhu, and Shastra. And then our lives can become happy and we can know supreme success. Thank you very much. Hare Krishna. अभी कल हमने बतलाया था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के पास में पहुंचे। गंगा के किनारे वो बैठे हुए थे, पानी पीना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, राज सिंहासन और मुकुट भी उन्होंने छोड़ दिया, धनुष बाण छोड़ दिया और वहीं पर बैठ गए। और सब ऋषि महर्षि सब लोग 88,000 और न जाने कितने कितने सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए मिनटों में। बड़े आश्चर्य की बात, उन दिनों में आज जैसी कोई सुविधा नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था और सब नहीं था, किंतु विज्ञान इतनी उन्नत, बहुत उन्नत था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मिनटों में चारों तरफ में खबर हो गया और कैसे मिनटों में वो कैसे वहां से कहां कहां से वर्ल्ड के एक विभिन्न पार्ट से वहां पर सभी लोग पहुंच गए। अब परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि महाराज हमारा एक प्रश्न है, दो प्रश्न है, जो अभी तुरंत मरने वाला है, जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, जिसको विश्व में कोई बचा नहीं सकता, तुरंत अभी मरने वाला है, बिस्तरे पर सोया है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, और जो आज नहीं तो कल, नहीं परसों, नहीं वर्षों, नहीं 100 वर्ष के बाद, नहीं 500 वर्ष के बाद मरेगा जरूर, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बतलाया, सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रे अहेतु प्रतिहता ज्ञात्मा संप्रसिद्ध। देखो भाई, मैं अचूक अव्यर्थ दवा बतला रहा हूं, जो तुरंत अभी मरने वाला हो, अभी मर रहा हो और थोड़ा सा होश में है, तो उसके कान में हरि नाम कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इतना नहीं समय है, उसका पहले ही मरने वाला है, तो कृष्ण कृष्ण या राम राम केवल कह दो बस। और यदि तुम्हारे पास में गंगा जल और तुलसी है तो उसको मुख में थोड़ा सा दे दो। यदि मर भी गया है कोई बात नहीं, तो भी वो नाम सुना दो, उस पर गंगा जल छिड़क दो। 60,000 ऋषि लोग थे, सगर महाराज के पुत्र कपिल देव के हिसाब से वो मर गए थे, और सैकड़ों वर्ष बाद गंगा नदी आई, उनके पानी के स्पर्श से उनकी केवल हड्डियां का चूर्ण वहां पर होगा और कुछ नहीं था, और स्पर्श से सभी बैकुंठ चले गए। गंगा जी की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है, कैसी? गंगा जी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आई थी और किनारे पर एक उसमें सांप का रहने का जगह था, जिसको मांद कहते हैं या गड्ढा कहते हैं, उसमें था। वो गंगा का पानी उसमें भरने जा रहा था, वो सांप वहां से विषधर सर निकल करके कहीं जाना चाहता था, और उस समय में गरुड़ जी कहीं अपने भोजन के लिए खोज रहे थे, उन्होंने देखा सांप ने ऐसे किया बाहर में आने के लिए, और उसी समय गरुड़ जी ने पंजे से पकड़ लिया और उसे निकाला, और निकालते ही ऊपर ले जाने लगे, इतने में उसकी पूछ गंगा नदी में लग गई। अब उनके पंजे के चाप से और चोंच से वो बेचारा, उसका प्राण निकला। तो हुआ क्या है, गंगा के स्पर्श से केवल एकदम बदल गया उसका शरीर, वो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां उपस्थित हो गया, और गरुड़ जी ने देखा ये तो हमारे प्रभु जी का रूप हो गया, तो उस अपने पीठ पर बैठा करके बैकुंठ में ले गए। ऐसी गंगा की महिमा है, तुलसी की महिमा ऐसी है, प्राण नहीं निकल रहा किसी प्रकार से, बड़ा दुखी है कोई, और तुलसी का पत्र उसमें दे दो मुख में थोड़ा सा, देखो जी कैसे, या तो प्राण निकल जाएगा या बच जाएगा। ये सब चीजें परम सत्य हैं, इसलिए भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यदि भी कोई मरने वाला है उसके कान में सुना दो, यदि नहीं सुनने वाला है तो भी बस गंगा जल दे करके, और ऐसे ही सुन तुम उच्चारण करो राम राम, देखो उसका कल्याण हो जाएगा।
और जो अभी कुछ दिन तक जीने वाले हैं, कोई गारंटी नहीं ये कब मरेंगे, उनके लिए भगवान की लीला कथाओं का, जैसे यहाँ लीला कथाएं हो रही हैं, सुनो और सुनने से भगवान तुम्हारे उन कामनों में कथा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके हृदय की शरीर पापों को और जितने अनर्थ हैं सबको दूर करके हृदय को निर्मल कर देंगे और अंत में उनकी सदगति हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, ज्ञानी हैं, यहाँ तक कि हम ब्रह्मभाष्मी करते 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 जगत से ऊपर बहुत उठ गए हैं, किंतु उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े योगी लोग हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, ध्यान करने वाले हैं, समाधि लगाते हैं, किंतु उनके अपने कर्मों का प्रारब्ध जरूर भोग करना पड़ेगा। किंतु अपैतु नाम स्फुरणे तत्ते प्रारब्ध कर्मोत विरोध वेद। यदि एक आदमी भूल से भी मरते समय में विशेष करके यदि भगवान का नाम उच्चारण करे, उसके जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना भी पाप है सब दूर हो जाए, उसको फिर नहीं भोगना पड़ेगा, कभी नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान नाम ऐसी शक्ति है, यदि शुद्ध रूप में उदित हो गया तो उसे पाप सब जल करके खाक हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, इस जीवन में भी परजीवन में सुखी होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप कल से कर करके देखें, 10 दिन में आप ऐसा करते हैं, यदि आपका बदल नहीं गया तो उसके लिए मैं गारंटी हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा, अभी धरी में हूं, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, हम सब फोन से बतलाएंगे। आप कर करके देखिए आप सुखी होते हैं कि नहीं, आपका हृदय बदलता है कि नहीं, जरूर सुखी है। इसलिए कहा गया परीक्षित महाराज जी को, उन्होंने कहा जैसी भी जो अवस्था में है वो भगवान का नाम संकीर्तन करे। जो कुछ चाहने वाला है, कुछ नहीं चाहता, जो मुक्ति चाहता है, जो धन संपत्ति चाहता है, कुछ भी चाहता है, वो भगवान का नाम संकीर्तन करे, विशेष करके कलयुग में। वो क्या है? अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी तिब्रेण भक्ति योगम जय जय पुरुष। विशेष करके नाम संकीर्तन, कुछ भी चाहते हो, जीवन में कोई सुखी नहीं है, जरा नाम तो करो। और यदि विशेष करके ऐसे कोई गुरु मिल जाए जो नाम करने वाले हैं, नाम में सिद्धि है, संसार से विरक्त हैं और उनको संसारिक इन चीजों से कोई मतलब नहीं, ऐसे तत्वज्ञानी हो, भक्त हो, और उनके मुख से निकला हुआ यदि नाम आप ले, देखिए कैसा चमत्कार हो जाएगा, एक दिन के अंदर में सब कुछ बदल जाएगा, धन भी संपत्ति मिल जाएगी, जीवन में सुखी भी हो जाएंगे, मुक्ति भी चाहेंगे वो भी हो जाएगी, और अंत में प्रभु का धाम भी आपको मिल जाएगा। ऐसी ये है, इसकी कथाएं हम लोग धीरे धीरे सुनाएंगे, अभी तो सब कुछ नहीं हम लोग सुना पाएंगे, किंतु फिर भी यदि हम भविष्य में आप लोग यदि बुलाएं और हम लोग आए तो इन कथाओं को कहेंगे, बड़ी भारी से शक्ति संचरित होगी। कैसे भगवान के नाम के द्वारा जो आदमी कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जो चीज नहीं कर पाता है वो कैसे हो जाता है, अभी ध्रुव का चरित्र आपको संक्षेप में 10 मिनट में ये बतलाएंगे। कैसे एक क्षत्रिय बालक कैसे अपने पिता का राज्य चाहता था और वो अपने दूसरे सौतेली माँ के से जो उत्पन्न हुआ उसको देना चाहता था, किंतु कैसे हो गया कि सारे कौरुषि का राज्य नहीं, सारी पृथ्वी का राजा वो बन गया और अंत में व्यक्त होकर उसको छोड़ करके भगवान की उसकी गति हो गई, भगवान की सेवा पा ली। ध्रुव जी के संबंध में संक्षेप में आप बोलिए तो आगे बढ़ जाएगी, वहां चले जाइए जो सभी लोग देख सकते, एक छोर पर बैठ जाओ, अधिक देर मत करना, और आगे बढ़ो, और आगे थोड़ा सा इधर। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अष्टम द्रुपाद पद्म के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत्पत्ति अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वृंद, हरि कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद एवं मातृमंडली को
आज गुरु जी मुझे आदेश दिया कि कैसे ध्रुव महाराज जी भगवान को भजन किया। अभी अभी आप लोग गुरु जी के सिंह से श्रवण किया कि किसी प्रकार की कामना हो, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगी न जयते पुरुषम परम। किसी प्रकार की कामना हो, सर्व प्रकार की कामना हो, मुक्ति कामना हो, कुछ भी कामना हो, आप भगवान का भजन करेंगे ये अनायासी ये समस्त मिल जाएगा। प्राचीन काल में उत्तरपर नाम के एक राजा थे, उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, दूसरे की नाम सुनिधि। सुरुचि का पुत्र था उत्तम एवं सुनिधि का पुत्र ध्रुव महाराज। सुनिधि और सुरुचि इन दोनों का अर्थ क्या है आपको जाकर हम लोग समझना पड़ेगा। सुनिधि था जो अपने बच्चे को जगत को अच्छी अच्छी शिक्षा देती है, भगवान को भजन करने पर सब कुछ किया हो जाएगा ये शिक्षा देती है, माता पिता का आदर करना चाहिए यह शिक्षा देती है, वो है सुनिधि। और सुरुचि जो खाओ पियो मौज करो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी इस प्रकार जो शिक्षा देती है वो है सुरुचि। उत्तर पर राजा एक समय अपनी पत्नी सुरुचि के साथ राय सिंहासन पर बैठे हुए थे। ये भी जान लीजिए कि उनकी पहली पत्नी जो थी वो सुनीति थी, उनसे ध्रुव पैदा जी हुए। और उसमें जब वो प्रौढ़ हो गई तो एक नवज्योति लड़की को उन्होंने देखा, तड़क भड़क वाली, बड़ी सुंदरी किंतु उतनी गुणवती नहीं। उस तड़क भड़क के कारण उससे उन्होंने शादी और कर ली। अब जो छोटी वाली है बड़ी सुंदरी है, अभी नवजीवती है, राजा उसके वशीभूत रहते थे। और जो अच्छी नीति वाली थी, जो पति परायण थी, धार्मिक थी, उसका बेटा ध्रुव, और वो दोनों राज्य से बाहर निकल कर रहने गए क्योंकि उनको आदर नहीं करते। और उस छोटी रानी ने उनको निकलवा दिया, वो गांव के बाहर में किसी प्रकार से जीविका निर्वाह करते थे राजा के लड़के होने पर भी। और सुरुचि राजमहल में अपने बेटे के साथ में राजा के साथ में रहे। राजा अपनी नवेली पत्नी सुरुचि के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे। अपनी पहली वाली जो स्त्री थी सुनीति, उनका भी बेटा था उनका नाम ध्रुव, और सुरुचि के बेटा का नाम था उत्तम। ध्रुव तो छोटा था, 4-5 साल का लड़का, वो क्या समझते हैं कि पिताजी मेरा माताजी का प्यार करते नहीं करते। पिताजी को देखकर तो उनका भी ललक हुआ कि मैं भी पिताजी गोदी में बैठूं। पहले से उत्तम बैठा हुआ था, और पहले से उत्तम जो बैठा हुआ था उनका छोटा भाई, उनको भी इच्छा मैं भी बैठूं। बैठने के लिए गया, उनकी विमाता सुरुचि उनको झिड़क दिया, रे ध्रुव तू क्या पिताजी में गोदी पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, तू मर करके पहले मेरा पक्ष से जन्म ले, कभी तू सिंहासन में बैठ सकता है। क्षत्रिय बालक ये विमाता का विमाता की ये भाग्यवान उनको पीठ कर दिया, वहीं से रोते हुए अपनी माँ के पास आ गए। उनके बहुत रोते हुए देख करके माँ सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तभी सारी बात माँ को बताई। माँ ने बात बताया, अरे बेटा ध्रुव ये छोटी सी बात पर इतना रो रहे हो, अरे तुम जो पर्वतन होली उनके गोद में बैठने की कोशिश करो कि तुम्हारा सब कुछ किया हो जाएगा, छोटा सिंहासन क्या बात है, तुम इसके इतना रो रहे हो। माँ उनके सांत्वना दी, रात के समय माँ के गोद में सो गए, माँ तो सो गई ध्रुव महाराज सोए नहीं, जब देखा माँ सो गई उठ करके चल पड़े। माँ ने बता दिया कि भगवान का भजन करने पर पद्मन हरि का भजन करने पर पिता के गोदी में बैठना समस्त पृथ्वी के सिंहासन में बैठना हो जाएगा, इधर चल पड़े रात को भजन करके। मथुरा जमुना ने स्नान किया, भगवान को भजन करना चाहा, भजन करें कैसे, गुरु ग्रंथ हुआ नहीं था, शास्त्र ने बताया
शंकर काशी जी ब्रह्मा जी या सिद्धि के समान कोई भी ऐसे ज्ञानी हो जाए बिना गुरु कर्म किए किसी का भी भगवत भजन संभव नहीं, कोई भी संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। साधारण मनुष्य की बात की जाए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए क्या किया, वो शिष्य जी को गुरु के रूप में वर्णन किया। इस जगह पर बहुत से लोग कहते हैं हम पति पत्नी या बाप बेटा माँ बेटा एक दूसरे की इच्छा कैसे करूं, हम तो भाई बहन हो जाएंगे। रामचंद्र जी स्वयं भगवान क्या हम लोगों से पढ़ने कम थे? रामचंद्र जी सीता जी दशरथ कौशल्या को सुमित्रा लक्ष्मण उर्मिला ये सब वशिष्ठ जी से दीक्षा ली थी। भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र जी आए क्या किया, उज्जैन जा करके सीखा जिसे गुरु कर्म जरूरी है, बिना गुरु किए हुए भगवत भजन संभव नहीं। भगवान अपने प्रिय भक्त नारद जी को भेज दिया, हे नारद तुम मर्त्य धाम में जाओ, मेरा एक भक्त मुझे भजन करना चाहता है लेकिन उनका गुरु कर्म नहीं हुआ। गुरु का लक्षण क्या है, ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं जगत में मुझे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, ऐसे ही भजन विषय में एक्सपर्ट है उनको गुरु कहा गया, उनका लक्षण क्या है? क्यों लोग कहते हैं किसी विषय में एक्सपर्ट हूं हम मान नहीं लेंगे, हमें शास्त्र का सोच कर विचार करके देखना पड़ेगा। शास्त्र में बताया तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तमं सर्वे परिजन स्नातं ब्रह्मण उपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तमं, आप अपने उत्तम कल्याण क्या है जानना चाहते हैं तो गुरु जी के पास जाओ। गुरु जी कैसे हैं? सर्वे परिजन स्नातं सर्वप्रथम भजनी वेद आदि शास्त्र में वेद रामायण महाभारत समस्त शास्त्र में पारंगत, आपके किसी प्रकार की संशय हो तुरंत इस संशय का छेदन कर सकते हैं, ये समस्त शास्त्र में सुपंडित। ये तो बाहरी लक्षण, अंतर लक्षण क्या है? आंतरिक लक्षण अभ्यंतरिक लक्षण परिजन स्नातं अर्थात भगवत अनुभूति संपन्न ऐसे कोई गुरु हो, और क्या उपसमासन संसार की जो भौतिक विलास है संसार की जो चाहिदा है वो सब सुबह हो चुके हैं, उनका कोई सिलेंडर नहीं है। इस प्रकार के कोई हो इसको सदगुरु कहा गया है, ऐसे सदगुरु चरण से करने पर हम भगवत भजन आसानी से कर सकते हैं, ऐसे गुरु कर्म नहीं करके किसी का भी गुरु कर्म कर ले तो क्या होगा, हमें पंजी बना पड़ेगा। जो नारद जी जैसे गुरु ऐसे दर्शन युक्त गुरु को भगवान ने भेज दिया। नारद जी ने कहा बेटा तुम वापिस जाओ, जंगल में किस लिए आए हो? देखो इसमें कितने हिंसक जंतु हैं, शेर हैं, बाघ कितने जबरदस्त सांप जो खा जाएगा डसेगा तुम मर जाओगे, ध्रुव टस से मर जाएंगे, नहीं ये भजन करना ही है करेंगे या मरेंगे करना ही, ऐसे द्रौपदी कह चुके हैं। तो नारद जी को मंत्र दिया सब रहने के अंदर ध्रुव महाराज जी भगवान को प्राप्त कर लिया, उनको भगवान को दर्शन पहले कर दिया और कुछ लेते कुछ फॉर्मूल उसको तो छोड़ दिया, पत्ता लगा शुरू कर दिया गट्टे के उसको भी छोड़ करके किसके माइंड में सूखा पत्ता उसको भी छोड़ करके पानी उसको भी छोड़ करके हवा अच्छा भी माइंड में हवा भी होती। तो क्या हुआ और भगवान का रहा नहीं गया, उनके युद्ध तपस्या देख करके उनके सामने आकर काफी दूर हुआ कृष्ण और भगवान होते ही गुरु महाराज को स्पष्टीकरण चाहा, छोटा सा बालक को जानता ही नहीं था, भगवान कृपा करके अपने संत को सुला दिया स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराते ही ध्रुव महाराज जी उनको स्वस्थ करने लगे। एक बार दर्शन देकर के भगवान अंतर्धन हो गए और ध्रुव महाराज जी हाया करने लगे, भगवान ने उनको बार किया तुम इस पृथ्वी में 33,000 साल तक राज्य शासन करोगे। तब ध्रुव महाराज जी हाया करने लगे, वो मैं तो एक थोड़ा कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, मुझे मिल गया कांचन, इस कांचन को मैं खो दिया, जैसे कि एक छोटा बच्चा का एक टुकड़ा कांच दिया खेलने के लिए वो बच्चा खो दिया भूल रहे हैं, इससे बगैर वो कांचन का हीरा का टुकड़ा था, आपको पहले पता नहीं था हीरा का टुकड़ा है कितना कीमत है,
करने के विचार लिया, तो भगवान को दर्शन ले लिया। भगवान को दर्शन करने पर कुछ बाकी नहीं रहता है, और भगवान को बल दिया समस्त पृथ्वी का सिंहासन प्रथम समस्त पृथ्वी का राजत्व 36,000 साल तक करने को। अब 36,000 साल जब पूरा हुआ और भगवान के दूत आए उनको ले जाने के लिए, वो कह रहे पहले मेरी मां जाए तब मैं जाऊंगा, क्योंकि उनके मानी पहले गुरु है सुनी थी। तब वैकुंठ ऋषियों ने बताया देखो तुम्हारी मां जा रही है पहले। ध्रुव को क्या मिला? ध्रुव लोगों को मिला। जो ध्रुव का हम देखते हैं तो ध्रुव के लोग हैं जो ध्रुव तक अचल अटल स्थिर, जिनका कभी भी कोई कष्ट मस्त नहीं होता है। ऐसे हम लोग भगवान को भजन करेंगे तो हम लोगों की किसी विषय में कुछ कमी नहीं रहेगा, हम लोग भी सुख शांति से जगत में हर करके भजन कर सकते हैं। और भगवान को भजन करने के उपरान इस जगत में सुखी और पर्व में जाकर के भगवान की सेवा लाभ कर सकते हैं। इसके साथ में कहा गया अकाम सर्वकाम मोक्षकाम उदारधि तिब्रेण भक्ति अभी जयते पुरुषम परम। भक्ति और करना भगवान को भजन करना पड़ेगा, तभी जो पहले कहा गया अकाम सर्वकाम मोक्षकाम ईश्वर कामना हो तो हम भक्ति योग के द्वारा भजन करके कामना भी पूरा होगा और हम भगवान धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बिना खाए पिए बिना सोए भगवान की कथाएं एक पर एक कहते गए और वो प्रश्न करते गए, और उन प्रश्नों का मीमांसा करता हुआ करते हुए भगवान के लीला चरित्रों को भी वो गान करने लगे। बीच में उन्होंने पूछा भी जब पानी पिएंगे, अब पानी पीने की मुझे जरूरत नहीं, आप जो ये हरि कथा सुना रहे हैं सातवें दिन तो मरना है, ये पानी के लिए तो हमारी ये दुर्दशा हुई, अब मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे भोजन नहीं करना है, सोना भी नहीं है नींद भी नहीं, और हरि कथा सब वो सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं ये निवृत्त तरसई उपगीयमाना भौषधाश्वत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणान बाद विरजेत बिना पसना। संसार में वो कौन सा आत्मघाती पुरुष होगा जो अपनी हत्या करने वाला है, जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनेगा, और वो हरि कथा अपने आप यदि वो कोई ऐसे महात्मा हो यदि आ जाए बिना किसी स्वार्थ के भगवान के लीला कथाओं को और सुंदर उपदेशों को सुना रहे हों और उसको न सुने तो वो वैसा व्यक्ति आत्मघाती है। ये हरि कथा कैसी है? निवृत्त तरसई, जो संसार से मुक्त हैं, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते हैं, ऐसे महापुरुष जिनको भगवान की भक्ति है और वो यदि हरि कथा कह रहे हो कैसी निरंतर अपने आप झर रही है, ऐसा झरना जो कभी समाप्त होने वाला नहीं उनके मुख से निकल रही है, और उसमें यदि कोई विषयी व्यक्ति भी है, कोई मुमुक्षु जो मुक्ति भी चाहने वाला है, जो संसार के सुखों को भी चाहने वाला है, और जो परम भगवत भक्ति चाहता है सब लोगों के लिए, यह अचूक राम बाण दबा है भौरों की, इसको नहीं जो सुनने वाला है नहीं सुनता हो आत्मघाती। आत्मघाती किसको कहते हैं? जैसे विष खा करके आदमी मर जाते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं, ये आत्मघाती कहते हैं। किंतु इससे भी बड़ा आत्मघाती वो है, उसके पास में हरि कथा आई और वो सुन नहीं रहा, उसका निरादर करता है, तो इससे बढ़कर के आत्मघाती नहीं होगा। करोड़ों करोड़ों फिर जन्म आएंगे, इसके बाद में मनुष्य जन्म होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है, गारंटी नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान का नाम करना चाहिए, सारी आकांक्षाएं भी पूर्ण हो जाएगी, पाप राशि भी दूर हो जाएगा और भगवान के चरण में चित्त लग जाएगा, और जीवन भर के लिए भी सुखी रहेंगे, इसके बाद में भी सुखी रहेंगे और अंत में सब समय सुखी रहेंगे, जीवन मरण के इसके चक्कर से निकल जाएंगे, इसमें आप लोग विश्वास रखिए। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी इस विषय में जो उपदेश है और जो लीला कथा है संक्षेप में कुछ कहेंगे, इसके बाद में मैं फिर कृष्ण की एक सुंदर मधुर लीला का मैं वर्णन करके आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा। गुरुवे नमः चंद्राय राधिकाय सदा
कृष्णवक्ताय तद्वक्ताय नमो नमः। अभी अभी आपने श्रीमद्भागवत की कथाएं सुनी है, भगवान नाम की महिमा सुनी है और संसार में सबसे बड़ी दया परम दया जो भगवान से हरी है, जिनकी आराधना करने पर कामना हो चाहे न हो जैसे उनके आश्रय में जाए, उनकी आराधना करें, भजन करें तो वे सब कुछ दे देते। अभी आपने ध्रुव चरित भी श्रवण किया है, भगवान श्रीहरि के चरण कमल में ध्वज वज्र अंकुश आदि बहुत से चिन्ह आपने सुना कि भगवान के चरण कमल में अंकुश है। उस अंकुश के द्वारा मतवाले हाथी को रोका जाता है। ऐसे हमारे मन रूपी जो पागल हाथी है संसार की कामनाओं में डूबे हुए भगवान के चरणों में कैसे भी आश्रय ले, प्रभु का नाम ले तो उनके चरणों के अंकुश उनको रोक लेता है, मजबूत कर देता है और उसके द्वारा प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाती है। समस्त कामनाओं को तय करके अंत में पराभक्ति लाभ करते हैं। इसलिए कैसे भी हो प्रभु का नाम कीर्तन निरपराध निष्कपट होकर के हमें प्रभु के आश्रय में जाना चाहिए, यही जीवन का मार्ग उपाय। अन्यथा अपराध के कारण हमारी संसार दशा होती है, हम भगवान को भूल गए इसी संसार में आए और उसमें भी हम भोगों में आसक्त हैं और अज्ञान मोह में हम डूब गए। इसलिए पुनः पुनः चेतना देने के लिए शास्त्र ग्रंथ भगवान से मूर्ति के रूप में, शिव विग्रह के रूप में भगवान स्वयं अनुग्रह करके उनके करुणामूर्ति गुरु जी को भेजते, साधु संतों को भेजते कि किसी प्रकार ये हमारे प्रति उन्मुख हो जाए, भजन साधन करते हुए संसार से पार होकर मेरे चरणों में आ गए। इसलिए विज्ञान और वैराग्य की बातें कही है कि यह संसार कैसा है। आपने अभी श्रवण किया है श्रीमद् भागवत में ऐसी एक कथा आती है कि प्राचीन वरी महाराज जो भारतवर्ष के बहुत बड़े एक राजा, उन्होंने सारा भारत भूमि को यज्ञभूमि बनाई, ब्राह्मणों के उपदेश से उन्होंने यज्ञभूमि बना दी, सबका आदर्श दिया कि सभी जगह यज्ञ करो और यज्ञ में पशु की बलि हुई, बलि भी दी गई। नारद जी महाराज उनके दरबार में आए कि ऐसे पशुओं की हत्या करके कौन सा धर्म होता है। महाराज जी से पूछा, महाराज आप सब प्रकार से कुशल हैं? बोले हां कुशल। तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप, जो आपने इतने पशुओं की हत्या की है जिसकी कोई गिनती नहीं, कोई ठिकाना नहीं, तो इससे आपको क्या कल्याण होगा? बोले क्यों, ऐसा तो ब्राह्मणों ने उपदेश दिया और हमने पशुओं की बलि देने के लिए आदेश दे दिया और ऐसे यज्ञ होता रहा, तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो नहीं जानता और इसमें स्वर्ग मिल जाएगा यही जानता हूं। महाराज जी इससे स्वर्ग नहीं मिलता है, पशुओं की आपने जो हत्या की है वे भी तो हत्यारा बन करके आपको भी मारेंगे, इसलिए इसको आप देखिए। पानी लेकर के मंत्र पढ़कर उनके ऊपर थे, देखा कि प्राचीन महाराज पर लोक में जा रहे हैं, जितने पशुओं की हत्या की थे वे सब तलवार लेकर खड़े हैं, खचाखच काटते जा रहे हैं, छटपटाने लगे। उन्हें कि अरे ये क्या, बहुत देर तो ऐसे छटपटाहट की स्थिति बनी रही, अंत में पानी फेंक करके फिर उनको शांति किया। बोले महाराज आपने क्या देखा, ये तो महान अर्थ हो गया है कि जितने पशुओं के हत्या की वे सब हमें मारने को तैयार है और सब मारते जा रहे हैं। तो नारद जी महाराज बोले, महाराज प्राणियों की हिंसा करते हुए कोई धर्म नहीं होता है, एकमात्र भगवान की आराधना से ही सारा कर्तव्य पालन होता है, अन्यथा और ईश्वर कुछ विड़म्बना मात्र है, लोग ठगने की विद्या है। जिस संसार में सुख भोगने के लिए आते हैं,
प्राणी शरीरों में घूमते घूमते मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। इसके 9 दरवाजे हैं और असंख्य खिड़कियां हैं। ये सुंदर राजमार्ग है, सुंदर राजभवन के समान बताया। इसी के अंदर प्रवेश करके जीव बुद्धि के साथ सम्मिलित होकर के भोगों को भोगते हैं इंद्रियों के द्वारा। इसलिए उपाखंड में बताया कि ये 9 द्वार विशिष्ट ये शरीर है राजभवन। उस राजभवन के अंदर में एक राजा ने प्रवेश किया जिसका नाम है पुरंजन। पुरंजन राजा प्रवेश करके देखा कि कोई है नहीं, क्या बात है। अंतपुर में चले गए एकदम अंदर मालूम। वह देखा ये सुंदरी षोड़शी युवती है, 11 सैनिक उनके अंगरक्षक हैं, कुछ दासियां उनकी सेवा करती हैं। उससे पूछा, ये देवी आप कौन, आपका परिचय क्या है, यहाँ और किसी को दिखाई नहीं दिया, बड़े मुश्किल से आप दिखाई पड़े। तब उस समय उसने कहा कि मेरे माता पिता का नाम तो अब अभिज्ञात है, मुझे पता भी नहीं। मैं बचपन में थी कि उस समय माता पिता चले गए और यहाँ पर कोई नहीं रहा, ये दासियां मेरी सेवा करते हुए मुझको पालन पोषण किया, मैं बड़ी हो गई और मैं यहाँ पर कोई भी आश्रय कोई सहारा नहीं, इसी तरह से मैं जीवन धारण कर रही। तो बड़े सौभाग्य की बात है जब आप आए हैं तो इस राजभवन को अलंकृत करें और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करें। तो वही बात थी, राजा ने वैसे स्वीकार कर ली और अंत में उनके साथ पाणी ग्रहण करते हुए पति पत्नी के रूप में रहने लगे। कुछ दिनों का विषय वो करते रहे, ऐसे समय में कालकन्या जरा जा रही थी। नारद से पूछा, प्रभु हमारे योग्य पति कोई बन नहीं रहे हैं, आप मेरे लिए उपाय बतलाइए। नारद जी बोले कि देखो मैं तो नहीं कह सकता, एक काम करो जब महाराज जी के पास में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई सलाह देंगे। तो कालकन्या जरा जम महाराज जी के पास में पहुंची तो जम महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसे तो नहीं होगा, तुम्हें कोई चाहेंगे नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो मेरे कुछ सैनिक ले जाओ और उसके द्वारा जिसको चाहो तुम अपना पति बना लो। कालकन्या जरा ने वही किया कि ज्वर प्रज्वर मोह महामोह तमो दिन और रात मिलाकर के 360 गंधर्व सेना और गांधर्व की सेना दे दी। इस तरह से चलते हुई वह जरा पूरे जल राजा के उस राजभवन को घेर लिया और बहुत दिनों का युद्ध होता रहा। होते होते पूरे जल राजा के कुल 11 सैनिक और इनके हजारों सैनिक कहां से लड़े, लड़ते लड़ते और इंद्रिया के सैनिक सब पीछे हटे। इतने में कालकन्या जरा ने राजा को पकड़ लिया। जरा क्या है, और पकड़ करके उसके साथ उपभोग करने लगे। तो ये कालकन्या जरा जो है पुरंजन राजा माने ये जीव है। हम सभी जीव संसार में भ्रमण करते करते 84 लाख शरीरों में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आए। सुंदर 9 दरवाजे विशिष्ट सुंदर राजभवन, इसके अंदर में प्रवेश करके बुद्धि के साथ मिलित होकर के हम संसार में सुखों को भोगने लगे। ऐसे समय में कालकन्या जरा जो आदि व्याधि रोग शोक अनेकों प्रकार के बीमारी के रूप में वह जरा उपस्थित, जरा मैंने बुढ़ापा, जो बुढ़ापा है उसके साथ अनेकों प्रकार की व्याधियां, इस तरह से वह बुढ़ापा पुरंजन राजा को घेर लिया। उस इंद्रियां सब शिथिल हो गए। जब मनुष्यों की आयु 50 वर्ष की हो जाती है इसके बाद में धीरे धीरे जरा घेर लेती है, बुढ़ापा आने लगता है, प्रौढ़ काल आता है, इसके बाद में वार्धक्य की स्थिति। तो बुढ़ापा माने हुए जरा जरा ने घेर लिया तो बुढ़ापा की स्थिति आ गई। इंद्रियां शिथिल हो जाने पर रोग बीमारियां अनेकों प्रकार की कठिन कठिन बीमारियां आ जाती है और जीवन भर कमाए हुए जो कुछ पुरुषार्थ होता है रुपए पैसे धन दौलत उन बीमारियों में समाप्त हो जाता है। इसी तरह से बुढ़ापे की स्थिति में युवावस्था के किए हुए काम धाम उसी की चिंता करते हुए हर उतार सकते करते करते शरीर को छोड़ते, जैसी जैसी चिंता होती है वैसे वैसे शरीर छूटता है। पुरंदर राजा पुरंदर अपने पत्नी की चिंता में डूब करके और उसी के याद में शरीर छोड़ा,
दूसरे जन्म में राजकन्या होकर के जन्म, स्त्री की चिंता करने की, तो स्त्री की चिंता करते करते नारी होकर के जन्म किया। तो राजकन्या होकर के जन्म ली, तो उस समय दैववश किसी एक मलय राजा से विवाह हुआ। परंतु वह राजा था परम भगवत भक्त, उनके संगत में उनकी सेवा करते करते वैष्णव की गुरु के रूप में, पति के रूप में सब प्रकार से उनकी सेवा की। और जहां कहीं ऐसे संतों का प्रसंग होता है, सभाएं होती हैं, वहां जाया करते राजा के साथ में। तो इस प्रकार भक्ति में अग्रसर होते होते राजा के साथ अंत में वन में चली गई। तो राजा अब ध्यानस्थ होकर के भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने पर उरंजनी रानी बड़े व्याकुल होकर के रोने लगी पति के वियोग में। ऐसे समय में जंगल में रो रही है तो कौन उसे बचाए, कौन उसे देखे। परंतु भगवान की भक्ति की थी तो भगवान वहां पर आए। इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करके वहां उपस्थित, और उसे सांत्वना देने लगे। सांत्वना देते हुए समझाया, पुरंजनी तुम्हें याद है पहले जन्म में तुम पुरंजन राजा, और इस जन्म में तुम पुरंजनी रानी बन करके आई। देखो न तो तुम राजा है और न तुम रानी, न पुरुष है न स्त्री, हम दोनों मानस सरोवर के राजहंस के समान, जो कमल के मृणाल को खाते थे, आस्वादन करते थे। अर्थात हम भक्ति रस में, तो भक्ति रस में डूबी डूबा हुआ, और मेरे प्रेम में डूबा हुआ। परंतु मुझको भूल करके जैसे ही तुम संसार को सुख भोगने के लिए आया, तो ऐसे ही शरीर में आसक्त हो करके मोहग्रस्त होकर अनेकों प्रकार के दुख कष्टों को भोगा। बुढ़ापे की स्थिति में अनेकों प्रकार की रोग बीमारियों में जराग्रस्त होकर के अनेकों दुर्दशा को, और स्त्री की चिंता करते करते दूसरे जन्म में स्त्री हो करके जन्म। इसलिए देखो न तो तुम पुरुष है न स्त्री, तुम आत्मा। तुमने भगवत भक्ति की थी और इनकी सेवा की, इस वजह से आज तुम्हें मैंने दर्शन किया। अतः इस संसार में बिना भक्ति के कुछ भी नहीं है। भगवान की आराधना की जीव है न आत्मा, नहीं वो आत्मा, नहीं वो कुमार, नहीं वो स्त्री। आत्मा पुरुष भी नहीं, स्त्री है, नपुंसक भी नहीं है। वो क्या है? भगवान का दास, भगवान का सेवक। इस बात को भूल जाने पर ये संसार में भ्रमण होता है। इस प्रकार उद्धार पद राजा के तो नारद जी की कथाओं को सुन करके प्रिय प्राचीनवरी महाराज तब उनको विवेक हुआ, और अंत में शौच को छोड़ करके भगवान की आराधना। उत्तान पाद राजा के वंश चले वंश कथाओं का वर्णन। इसी प्रकार प्रियव्रत महाराज उनके भाई महाभागवत, उनके वंश में भी बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान ऋषभ के हुए। ऋषभ देव के सौ पुत्र की कथा हमने सुनी है, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज जी और सखा मेरा पृथ्वी के राजा, समस्त राज्य पाठ युवा काल में उन्होंने तय किया, और भगवान की आराधना करने के लिए चले गए गंडकी नदी के तीर, पुनः आश्रम में जाकर के भजन साधन करने करने प्रगति नदी में स्नान करते, सारंगाम शिला को उठा करके लाते और पूजा अर्चना करते। इसी तरह से पूजा अर्चना और प्रभु का भजन करते करते भाव में आविष्ट हो गए, बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हुई। कहा कि कोई व्यक्ति भजन साधन करता है, भजन साधन करते करते यदि जीवन में कोई अपराध हो जाए, प्रभु का नाम कीर्तन करना अति सहज सुगम उपाय है। परंतु नाम के साथ में नामापराध से भी बचना होता है। साधन निंदा, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र की निंदा, अर्थवा हरिनाम की कल्पना, अन्य शुभ कर्म के साथ में हरिनाम को समान ज्ञान करना, आलस्य प्रमाद युक्त होकर के हरिनाम करना, नास्तिक पाखंडी को उपदेश देना, ये समस्त अपराध होता है। इसलिए कदापि साधु संतों की निंदा नहीं, गुरु जी की अवज्ञा नहीं करें, शास्त्रों की निंदा नहीं हो,
हरिनाम एक कल्पना मात्र है, भगवान निराकार निर्विशेष है। ये नाम तो एक कल्पित नाम, जैसे हम लोग बच्चों का नाम रखते हैं ऐसे ये नाम रखा गया था कृष्ण, तो ये कल्पना मात्र है। ऐसा जानना समझना ऐसे कहना अपराध होता है। ये हरिनाम के महिमा जो इतने वर्णन की है कि ये कृष्ण नाम है जब पाप भले पापी हिसाब धुनाई तो पाप, ये कृष्ण नाम में जितना पाप दूर होता है कि पापियों का साध नहीं कि उतना पाप कर ले। तो ये समस्त केवल प्रशंसा मात्र लिखी, ऐसा समझना भी अपराध होता है। इसलिए इन अपराधों से बच करके हरिनाम कहना चाहिए। भगवान ने भक्तों को सिखाने के लिए दिखाया कि भरद्वाज की कोई अपराध या किसी प्रकार कुछ नहीं था, परंतु लोक शिक्षा के लिए दिखाया कि ऐसे ऊंची स्थिति पर पहुंच जाए और उच्च सोपान पर भजन के चरम सोपान पर पहुंचे हुए व्यक्ति यदि किसी प्रकार कोई अपराध करता है, त्रुटि विच्युति होती है, तो उसके द्वारा बहुत नीचे गिर जाते। भरत महाराज जी को कोई अपराध नहीं था, परंतु लोक शिक्षा के लिए दिखाया कि भरत महाराज जी ने हिरण शिशु के प्रति प्यार किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको खिलाया पिलाया, उसके प्रति उनका स्नेह चला, स्नेह ममता इतने बढ़ती गई कि भजन साधन छूट गया और उसी में आ गई। अरे हिरण का दल आया और उसने वो हिरण निकल के चला गया, चले जाने से उसके चिंता में खोए हुए आविष्ट होकर के घूमते घूमते परेशान और शाम का समय और बड़े विषण होकर के बैठे हुए, ऐसे समय में काल उपस्थित हुआ। हिरण की चिंता में डूबे हुए आविष्ट है कि उसी प्रकार काल भी आया तो उस काल के गाल में समाज है कि हिरण की चिंता करते करते दूसरे जन्म में हिरण होकर के जन्म। इस प्रकार हिरण शरीर को भी छोड़ा तो तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में एक जगह जन्म हुआ। पूर्व जन्म की स्मरण याद रही तो स्मरण बने रहने से जाके स्मरण बना, इसलिए बोले कि और हमें किसी से बात नहीं करनी, न हमें संसार की किसी वस्तु के मोह में नहीं जाना है और न आसक्त होना है। इस प्रकार भरत महाराज जी संसार में आसक्त नहीं हुए, न किसी से बातें की, जड़ भरत बनकर के रहे। एक दिन की बात है कि रघुवर महाराज उन्हीं के वंश के राजा किसी साधु आश्रम में जा रहे थे कि कुछ तत्व दर्शन जाने की इच्छा से पालकी में जा रहे थे, तो कहा लोग अब चलते चलते एक को बुखार आ गया, चल नहीं पाए, तो उस समय राजा ने कहा अच्छा जाओ किसी बेगार को पकड़ करके लाओ। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते देखा कि एक खेती में बैठा हुआ आदमी, तो भरत महाराज जी को दिखाई पड़ा तो उसे पकड़ करके ले गए पालकी में लगा के बोले कि चलो चलते रहे। परंतु रास्ते में चलते चलते कहीं कीड़े मकोड़े हैं चिट्ठिया हैं देख सुन करके चल चलते चलते पाल के ढुलने ढुलने लगी, तो राजा ने कहा अरे ऐसे कैसे हो रहा है, बोले कि नया आदमी ठीक ढंग से नहीं चलता, बोले वो तुम दुबला पतला है, खाया पिया नहीं है, बहुत कमजोर बना है, जानता नहीं है मैं जैसे आया हूं, अभी अच्छी तरह से दंड मिल जाएगा तब चेक होगा सावधानी से, ऐसे कहा पर चलते चलते बजे सके। फिर से राजा निकल गए, बोले कि अरे जानते नहीं हो अभी तुम्हें दंड दूंगा, ऐसे ऐसे सारी बातें कही। उस समय भरत महाराज जी ने अपने मुंह खोला, बोले कि हे राजन, कौन राजा और कौन प्रजा होता है, कौन किसको शासन करता है और कौन किसको शासन करने वाला है, कौन किसका शासन भोग करता है और कौन मोटा कौन पतला, आत्मा न तो मोटा है न पतला है, इस बात को जाने तो क्यों दूर। इन सारी बातों को सुन करके राजा बोले कि पालकी उतर उतर करके बाहर आए, देखा कि उनके गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, फटे पुराने ये कपड़े, सारा शरीर धूल मिट्टी से मैल जम रहा है। तो उस समय उनको प्रणाम करते हुए बोले कि महाराज हे ब्राह्मण आप कौन, देखने में लगता है कोई ब्राह्मण है, कहीं आप कपिलदेव तो नहीं है, कहीं आप महामनीषी तो नहीं है, आप कौन है, मैं इन्हीं बातों को जानने के लिए
मैं पूरा काल में भरत नाम कराया और हिरण के प्रति आसक्त होकर के मेरी दुर्दशा बनी कि हिरण होकर के जन्म लिया, तो इससे जन्म में स्कूल में आया ब्राह्मण को। इसी प्रकार मैं मोह में आसक्त नहीं हुआ, न जीवन भर किसी से बात की, केवल आपसे बात करने की इच्छा प्रकट की। इसलिए कि हे राजन, ये शरीर न दो, ये शरीर पांच बहुत है, मिट्टी घर अग्नि वायु आकाश का बना हुआ पांच बहुत है शरीर, चौबीस तत्वों का ये शरीर जो अस्थि मांस में वज्र शुक्र शनि दशा सात धातुओं से बना हुआ है, इस शरीर के अंदर कफ पित्त वात ये तीनों स्थिति है, ऐसे रक्त मांस का पुतला इस शरीर के प्रति जो अहंकार अभिमान यही बंधन का कारण होता है, और उस अहंकार अभिमान में डूब करके लोग कर्म करते हैं। लोग भोगों को भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए चलते हैं, परंतु लोगों की स्थिति कैसे होती है कि धन कमाने के लिए चले, रास्ते में चलते चलते घनाघोर जंगल में पहुंच गए और लुटेरों ने उसे लूट लिया, अब कहां जाए क्या करें, जंगल में घूम रहे हैं भटक रहे हैं ऐसी स्थिति, और उसमें घूमते घूमते दूसरों की भी ऐसी स्थिति बनी, तो उस समय साथ में मिल करके बोले कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे, उसी तरह से रहते रहते घर गृहस्थी बना ली बता ली और उसी तरह से संसार में मोटर अंत में काल उपस्थित होता है कि जब एक दिन उस जंगल में घूमते घूमते बाघ उसका पीछा करता है, तो उस समय दौड़ता हुआ गया कि अब पेड़ पर चढ़ने को समय नहीं, ये कुएं के अंदर में उतर गया, देखा कि कुएं की मुंह में अब पेड़ की डालियां उग गई हैं, झाड़ियां आ गई, तो उस पेड़ की डाली को पकड़ करके उसी में लटक गए, कुएं में पानी नहीं है, नीचे था सांप फंस फंस कर रहा है और ऊपर से बाघ आया एकदम गर्जन करता हुआ हां हां कर रहा है खाने को, ऐसे स्थिति में जिस पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक रहा है कि उसको भी दो चूहा अब काटने लगे कुरेल गए, और जिस डाली को पकड़े हुए हैं उस डाली में मधुमक्खी की छत्ता लगी, मक्खी चारों ओर से घेर लिया काटने लगे, उस स्थिति में सोच रहे हैं कि अब तो मरना है, अनिवार्य है, ऊपर मृत्यु नीचे मृत्यु जाने का कोई उपाय नहीं, चलो अब मरते मरते मधु टपक रहा है शायद टपक रहा है तो थोड़ा पी लो पी करके मत, तो ऐसे ही ये संसार हे भरत महाराज, हे रघुवर राजा, हे महाराज, लोग संसार में आते हैं सुख भोगने के लिए, परंतु जीवन में इस चलते हुए जीवन के पद पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छह रिपु जो है शत्रु घेर देते हैं, सब कुछ रूप देता है, सरल हृदय सरल प्रवृत्ति ये सब समाप्त हो जाता है, उस समय काम क्रोध के वशन हो करके उन्हीं की सेवा करने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति में संसार में प्रवेश करके रजगुण तमगुण में महत्व हो करके उस समय गीता भागवत से बहुत दूर, साधु संतों से बहुत दूर, कोई अच्छा उपदेश भी कानों में प्रवेश नहीं करता है, और ऐसे संगति में पड़े हुए मनुष्यों का जीवन एक पशुओं की तरह पक्षियों की तरह इस प्रकार से जीवन व्यतीत होता है, और खान पान रहन सहन भी ऐसे ही गलत खामियों में चला जाता है, इस प्रकार संसार में घूमते घूमते जिस समय काल उपस्थित होता है कि वो ऊपर मृत्यु जमरा चोटी पकड़े हुए कुएं के अंदर जो आदमी लटका हुआ है कि ऊपर वो जमरा चोटी पकड़े हुए वो बाघ के समान और काल रूपी सर को फंस फंस कर रहा है काटने के लिए, इस संसार रूपी भव रूप में हम पड़े हुए हैं, इस अंधक कुआ में हम पड़े हुए, घर बनाया संसार किया कि इसी के द्वारा हम सुखी होंगे शांति लाभ करेंगे, चार ओर से मक्खियां काट रहे हैं, इस मनुष्य शरीर रूपी डाल को हम पकड़ करके हम सोच रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के द्वारा हम सुखी होंगे शांति लाभ करेंगे आनंद उपभोग करेंगे, परंतु दिन और रात इस शरीर की आयु को पुरते जा रहे हैं समाप्त करते जा रहे हैं, इसी प्रकार आयु भी समाप्त होते जा रही है,
परंतु सुख भोग होता ही नहीं, चारों ओर से मृत्यु घिरी। इसलिए हे आर्यन, इस मृत्यु वाले संसार को जानकर इससे निकलना होगा और ये सब छोड़ करके हे राजन प्रभु की आराधना करनी। संसार के सुख शांति पाने के लिए लोग देवताओं की उपासना करते हैं, कोई घर छोड़कर निकल जाते हैं, कोई घर में पड़े रहते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई सूर्य की पूजा करते हैं, कोई जल की पूजा करते हैं, कोई अग्नि की पूजा करते हैं, तरह तरह की पूजाएं करते हैं, परंतु उसके द्वारा आत्मकल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मही यशाम पाद रजोधी सीगम, हे राजन हे रघुवर, जब तक महान पुरुषों के अनुभवी संतों के चरणों में अभिषिक्त न हो जाए, आत्मसमर्पण नहीं कर दे, उनके उपदेशों के द्वारा अपने जीवन को नहीं बनाए, तो जीवन में कदापि सुख और शांति नहीं। इसलिए हे राजन, संत पुरुषों के चरणों में आश्रय लेकर आप भगवान श्री हरि का भजन करें, किसी से आपको कल्याण है, अन्यथा और कोई कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में विज्ञान और वैराग्य की बातें सब दिखलाई, राजा महाराजाओं का उपाख्यान सुना, इन उपाख्यानों के द्वारा भक्तों के चरित्र का वर्णन किया कि इसी प्रकार हमें यदि आत्मकल्याण लाभ करना है तो भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। संत पुरुषों के चरणों में आश्रय के बिना हमारे जीवन का अज्ञान अंधकार दूर होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु वैष्णव चरणों में आश्रय लेगा भजन साधन तैयार होगा। इस मधुभागवत की शिक्षा है, इस प्रकार आगे बहुत सारी कथाएं हैं, मैं यहीं पर आज अपना वक्तव्य रखता हूँ। थोड़ा शांत कीर्तन कर लो। भगवान की कथा ऐसी होती है जो काल डर जाता है। अभी कलयुग का साम्राज्य है, वो नहीं चाहता कि हमारे राज्य से कोई निकल करके भगवान के धाम में पहुंचे, इसलिए आंखों पर एक समन का पत्थर जैसा आंखों पर आ जाता है, जम्भाई आने लगती है और वो बेचारा सोने लगता है और इस अमृत से वंचित हो जाता है। किंतु नाम संकीर्तन ऐसा है कि उसमें नींद भी नहीं आएगी, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम कीर्तन। अब इसने ले लो रोए कोई राम का प्यार है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के yeah।
एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, पानी पीना छोड़ दिया, हवा लेना भी बंद कर दिया, सोना भी बंद कर दिया, शरीर में दीमक लग गए, खा गए सब। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के आए, पानी छिड़क दिया उसके ऊपर में, प्रोक्षित कर दिया मंत्र पढ़कर, और उसे दिव्य नौजुबा एकदम 16 वर्ष जैसा वज्र जैसा शरीर, निरोग स्वस्थ एक दिव्य कांति का पुरुष निकला। उसी का नाम था हिरण्यकश्यप। उसने वर मांगा ब्रह्मा जी से, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, महीने में मैं नहीं मरूं, मैं आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, और आपके द्वारा बनाए हुए प्राणियों से मैं किसी से नहीं मरूं, धरती पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, सांपों से, मनुष्यों से, गंधर्वों से, किन्नरों से, किसी से भी मैं नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। इस प्रकार से उसने वर मांग लिया। एकदम वज्र जैसा शरीर, निरोग 16 वर्ष जैसा नौजुवक बना रहेगा, और उसने सारी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को जीत लिया, देवताओं को भी अपने वशभूत कर दिया। इस प्रकार से इतना प्रतापी हिरण्यकश्यप राजा हुआ, उसको कोई मार ही नहीं सकता था। यहां तक कि ब्रह्मा और सभी लोग उससे थर थर कांपने लग गए। जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं सुख की, उसके घर में सभी कुछ उसके समय था। उसके घर में आप बस समझ लीजिए, कंप्यूटर का उस समय में आविष्कार नहीं हुआ, और फैन नहीं था, और कूलर नहीं था, ये सब की कल्पना उससे बहुत ऊपर सारी चीजें उसको उपलब्ध थी, जो जीवन में मनुष्य आप कल्पना कर सकते हैं पा नहीं सकते, वो भी था। बड़ा सुख से राज्य करने लगा, और उसी के घर में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम हुआ प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान का नाम करता था। वो कूटनीति में, राजनीति में, राजनीति माने क्या, कूटनीति, अपने माता पिता को भी धोखा देना, राजनीति। आजकल की राजनीति और गंदी, पहले तो राजनीति में कुछ था, आज नीति करने जाइए आप बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। तो वो बेचारे को स्कूल भेजा अपने, उसके पिताजी ने किसके पास में भेजा, संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र, शुक्र के आचार्य, शुक्र से जन्म होता है, यही शुक्र माता के गर्भ में जाकर के बेटा बेटी उत्पन्न होकर के संसार होता है, इसके आचार्य थे वो, कैसे जन्म होता है, और उनके पुत्र हैं संडामर्क। संड माने सांड जैसे, अमर्क माने अंधकार, कोई भगवत भक्ति से संबंध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, बस शाम दाम दंड भेद, कैसे दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका धन हड़प सकते हैं, कैसे हम प्रधानमंत्री बनेंगे और कैसे हम प्रेसिडेंट बनेंगे, राजा बनेंगे, बस ऐसी ही नीति को शिक्षा देता थे वो लोग। उनके पास में पढ़ने के लिए भेजा, किंतु यह बच्चा यह सब चीजें नहीं पढ़ता, वो भगवान का नाम करता, भगवान का ध्यान करता, भगवान का चिंतन करता था बचपन से ही। क्यों करता था हम पीछे बतलाएंगे। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया, जब इस पाठशाला से लौट कर आया तो उसकी मैया ने उसे श्रृंगार कर दिया, और पिताजी उसको अपनी गोदी में ले लिया, और बड़े प्यार से उसका सिर सुनते हुए, सहलाते हुए बोले, जे बेटा तुम स्कूल में जो पढ़ा, जो तुमको अच्छी लगी, जरा बतलाना तुझे क्या तुमने पढ़ा। वो सोचा था ये राजनीति, दंड नीति, और कैसे पैसा बनाया जाता है, कैसे राजा हो जाता है आदमी, कैसे प्रेसिडेंट बनता है, कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, आजकल ये सब शिक्षाएं प्रचुर परिमाण में ये सब दी जा रही है।
तो वैसे समझा था जी यही कहेगा, किंतु उसने कहा तत्साधु मन ने असुर वर्ज देहिना सदा उद्विग्न धीयान असत ग्रहात हितात्म पातम गृह मंद जब वनम गदो हरिमाश। उसने सहज रूप में कहा हे असुर श्रेष्ठ, इस संसार में सदा लोग उद्विग्न हैं। क्यों? संसार में आसक्त होकर के सुखी होने की लालसा से धन कमाते हैं, विवाह शादी करते हैं, तरह तरह के घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु उसमें उद्विग्न रहते हैं, कहीं नष्ट न हो जाए, कोई मर न जाए, कोई रोग न हो जाए, कैसे? इसलिए इस संसार में यह संसार एक अंधे कुएं की भांति है जिसका इन्होंने वर्णन किया। उस अंधे कुएं से निकल करके भगवत भजन करना ही सर्वोत्तम है, शिक्षा का आदर्श समझता हूं। इसके बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। हृदय कष्ट नारी, ये तो बड़ा बदमाश निकला, हमारे चंदन वंश में ये उठार कहां से जन्म कर, ये तो वंश का गुलामगार जन्म, ये विष्णु हमारा शत्रु है, हमारे भाई को मारा है और उसी का गुणगान कर रहा है, मैंने पाला पोसा, इसका जन्म दिया, भगवान कौन है? भगवान तो अपने मन से कल्पना से कर लेते हैं, भगवान कोई चीज नहीं है, भगवान को किसने देखा? अरे मैंने तुमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण कर रहा, हमको नहीं मानता है तो उसको क्या मानेगा, और इसकी बुद्धि कैसे खराब हो गई? संडा मर, इसको तो अच्छी से शिक्षा देना, इसके बाद तुमको छोड़ देता हूं। मालूम होता है कोई आदमी इसमें प्रवेश कर गया और इसको ये कुछ शिक्षा दे गया। भगवान के भजन को आजकल लोग कुछ शिक्षा कहेंगे, आप ही लोग कुछ सज्जन है जो आए हैं हरि कथा सुनने के लिए, नहीं तो सब समझेंगे इसे, इसमें तो कोई शिक्षा ही नहीं है, कैसे धन कमाएंगे, कैसे हम संसार का पालन करेंगे। राजनीति की कोई बात होती, हमारे इंदिरा आई थी यहाँ पर, इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री, उसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर जितने यहाँ के थे सब लोग जमा हो गए, क्या देकर के गई? ये बातों को देकर के गई? कोई प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ये सब चीजें देगा जो जीवन में सुखी होंगे? वो देखेगा जैसे इसलिए आएगा जो फिर से हमको वोट देंगे और फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसके अतिरिक्त तो किसी काम के लिए नहीं आएगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपको चूस लेगा, चूसने के लिए लल्ली चप्पू बातों को करने के लिए सब आते हैं। मैंने कहा खबरदार, जैसी बातें हम सुना इसके मुख से, इतना भोला भाला लड़का है, इतने कमर उन्होंने कहां से ये विष्णु का भजन करने लगा, बुरी बात कहां से सीख लिया, इसने तो ये सब जगत की बातें सीखी नहीं, ले जाओ। वो लोग ले गए, कुछ दिन तक और रहा, फिर कुछ दिनों के बाद में पढ़ने लिखने के बाद में फिर एक दिन फिर उसको लाड़ प्यार से गोदी में लेकर के पूछा, बेटा तुमने क्या शिक्षा ला दी? तो आज उसने और थोड़ा सा बढ़कर के बतलाया, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान का चिंतन करना, उन्हीं का नाम कीर्तन करना और उन्हीं की पूजा करना, एक प्रकार से सब प्रकार से भगवान में चित्त तन्मय होकर उनका भजन करना ही सब शिक्षाओं में उत्तम शिक्षा है, इसके अतिरिक्त नहीं। इसमें गुरु के चरणों में प्रणत होकर के जो भजन शिक्षा जानते हैं उनके चरणों में पहले आत्मसमर्पण करके भजन करना सीखो। अरे हारमोनियम बजाने के लिए, अभी ऑफिस कंट्रोल करने के लिए कहीं जाकर के एक्सपर्ट के यहाँ सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो जिस चीज को कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, उसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही भजन हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं। कोई सदगुरु के पास में जाकर उसके चरण आत्मसमर्पण करके सीखो भजन की रीति, और सुन करके फिर भगवान का श्रवण करो, कथाओं को कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, इसे पढ़कर के जगत में शिक्षा सुन करके तो एकदम पागल हो गया, क्रोध से एकदम लाल हो गया, बच्चे को अपने गोद से लेकर के पटक दिया, ये कुलंगार जन्मा। मैं सोचा था कि अपने स्वभाव को बदल करके ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, ये कहां से कुलंगार इसने ऐसी कुछ शिक्षा पाई? संडा मत बुला, दोस्त तुम लोगों ने ऐसी शिक्षा क्यों दी? महाराज हमने इसको शिक्षा नहीं दी, ये तो स्वाभाविक रूप से काजी ने क्यों बोलता है, हमने तो इसको बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी जो आपने कहा था, ये कहां से सीखा? अच्छा मैं अभी ले जाकर के अभी देखता हूं और शिक्षा देकर के फिर आपके पास मैं जाऊंगा। वो लेकर के चला गया। इन लोगों ने पूछा, प्रहलाद तुमने ये कहां से सीखा है ऐसी शिक्षा, हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं। उसने कहा जी आप लोग ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते, ये तो स्वाभाविक रूप में ऐसा कर रहा है,
जो लोग इस संसार में चर्वित चर्वण करते हैं, चर्वित चर्वण माने क्या? इस संसार में यदि एक कुत्ता है, उसको कहीं से एक हड्डी मिल गई, उसमें चमड़ा कुछ लगा हुआ था, वो झट दौड़ करके पहुंचा और उसको लेकर के दौड़ा और दे करके वो सोच रहा था कि कहीं निर्जन स्थान में गड्ढे में छिप करके उसको खाएंगे, उसमें से रस आएगा, फिर लेकर के भागा। इतने में दस कुत्तों ने देखा, दस कुत्तों ने भी उसका पीछा किया और उसे काटने लगे। जब देखा कि प्राण नहीं बचेगा तो उसको छोड़ करके और दुम दबा करके एक खड़ा हो गया, देखने लगा और फिर दूसरे जिसने उसको पकड़ा फिर दूसरे सभी लोग उसको काटने के लिए दौड़े। हड्डी चुसता है और अपने दांतों के इसमें लग जाता है और उसमें रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को पी करके और सोचता है बड़ा मधुर, क्या ही नमकीन रस आ रहा। वो रस कहीं का नहीं, वो हड्डियों को चूसने से उसमें लग करके अपना ही वो रक्त चूस करके बड़ा खुश होता है। ऐसे ही हम चबाए हुए को चबाते हैं, अथवा एक कुत्ता बहुत कुछ खा लिया और खाने के बाद में पेट में दर्द होने लगा और एक घास को खा लिया, घास के खाने से फिर वो जो खाया था उगल दिया और फिर उगले के वो खाता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारे माता पिता इस जीवन में सुखी नहीं हुए, हम भी इसके द्वारा सुखी नहीं हो सकते हैं। अपनी मैया से पूछो जो 80 वर्ष की हो गई है, मैया तुम सुखी हो तो? बेटा मैं क्या सुखी, अब चल नहीं कर सकती, बुढ़ापा आ गया, बहुत दुखी है, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, हमारे जितने बेटे थे और बेटियां थी उनकी शादी होती सब मैंने कर दी, सोचा जब अपने बुढ़ापे में बड़ी सुखी रहूंगी, अब मुझको कोई पूछता ही नहीं है, घर से बाहर कर दिया हमको, और ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, खांसी रहती है दिन भर, तो बतलाओ। तो यहां पर वही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, इसे कोई जो कि जानता नहीं है संसार को और उसी चूसते हुए को चूसते हैं, हड्डी को चूस रहे हैं, और ऐसे जो लोग हैं संसार में डूबे हुए हैं वो मुझे क्या शिक्षा दे सकते हैं, तुम लोग क्या शिक्षा दे सकेगा? जिनकी मति ऐसी, जिनकी मति भगवान के चरणों में है, वही केवल हम शिक्षा दे सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अंधा को लेकर के रास्ता दिखा रहा है तो क्या होगा? वो अंधा भी और वो अंधा भी दोनों जा रहे हैं और एक गड्ढे में दोनों गिर करके मरेंगे। ऐसे जिसका गुरु भी अंधा है, कुछ तत्व नहीं जानता, वो दूसरे अंधे को जो कुछ नहीं जानता उसको भजन की क्या शिक्षा देगा? ऐसा वो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के अंधकार नरक में जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु से नहीं होता जिसको मति भगवान के चरणों में है, जो भगवान को भजन करते हैं, जिसकी अनुभूति हुई है, जो हमारी सारी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, संसार से आना सकते हैं। ऐसे सद्गुरु यदि मिले तो उनके वचनों से सुन करके पालन करने से इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं, घर संसार करके भी, और इसके बाद भी हम लोग सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को ये बातें कही, वो एकदम बिगड़ गया, मारो इसको दुष्ट, हजारों सैन्य लगा दिया अपने दुष्टों को, सैनिकों को, वो लोग उसे मारने लगे फरसे से, बाणों से, इस दर से उधर से, किंतु उसको कोई चोट ही नहीं पहुंची, मानो न जाने कौन रक्षा कर रहा, आग में जलाया, यहां तक उसकी बहन आग में जलने वाली नहीं थी, वरदान था, उसको गोदी में लेकर के जलती नहीं आग में बैठी, वो जल गई किंतु ये निकल आया, समुद्र में फेंका, न जाने कौन उसकी रक्षा, पहाड़ों से ऊपर से फेंका नहीं मारा, सांपों से कटवाया, सांप उसे काटने नहीं आई, हाथियों से कुचलवाने की चेष्टा की, हाथी उसे डर करके पहले ही भागे, किसी तरह से उसकी मुक्ति नहीं, बड़ा घबराया। संडा मार्ग ने समझाया, हमारे पिताजी जरा बाहर में गए, अभी आ जाने वाले हैं, इसको समझा बुझा करके ठीक कर देंगे, आप छोटे से बच्चे से इतना डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, ये बच्चा आप विश्व संसार आपके वशीभूत है, देवता लोग आपके अधीन है, आप मर नहीं सकते और इसे डरते हैं, भाई भाई इससे मत जाऊं मैं, मुझे तो डर लग रहा है, इस छोटे बच्चे को कोई हम लोग मार नहीं सकते, किस प्रकार से ले गए। ले जाने के बाद में एक दिन उसके गुरु दोनों थे किसी काम से चले गए, बोले जैसे अभी मैं अभी हम लोग आ रहे हैं, प्रहलाद को कहा कि बच्चा इन सबको मॉनिटर तुमको कर देता हूं और तुम इनको थोड़ी सी इधर से उधर से रखना, झगड़ा न करें। गुरु जी चले गए, प्रहलाद महाराज जी वहां पर बैठे थे, बच्चों ने कहा जब गुरु जी चले गए खेलें हम लोग, प्रहलाद महाराज ने खेलेंगे हम,
बड़ी सुंदर खेल खेलेंगे। पहले हमारी बात को थोड़ी सुन लो, दो एक बातें हम तुमसे कहें। देखो, बचपन से ही भगवान का भजन कर रहे आप और मारा बचपन से, 5 वर्ष की उम्र से जब से होश हो जाए, जब ही से होश हो जाए तभी से भगवान का भजन करना चाहिए। बच्चों ने कहा जब भगवान और उसका भजन क्या है? अरे यदि भजन भी कुछ है तो हम पढ़े होने पर विवाह शादी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे विवाह शादी करेंगे, धन कमाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा अरे बेटा ये भाइयों देखो, कोई जरूरी है कि तू बूढ़ा होगा ही उसके पहले ही मर जाएगा? कोई तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ से निकल करके मर जाता है, कोई 5 वर्ष की आयु में मर जाते हैं। भाई इसका कोई ठीक नहीं है ये तुम बूढ़ा होगा ही, और यदि बूढ़ा हो जाएगा उसमें कमर भी सीधी नहीं होगी, उसमें तू क्या भजन करेगा? इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा जी तो तभी हम लोग ये सब शिक्षा लाभ करेंगे, एक्सपर्ट होंगे, हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वकालत पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इधर कंप्यूटर पढ़ेंगे, इधर उधर करेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे भाई जरा सोचो तो, आप पहले ही मर गए तो क्या होगा? कोई गारंटी नहीं ये कब कौन मरेगा। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन की गारंटी थी। अभी कोई एरोप्लेन कोई जा रही थी, कहीं जा रहा था और उसमें बहुत से यात्री लोग बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे अभी सब बैंकॉक के पास में कहीं, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और गिर गया, जिसमें जितने लोग थे सब मारे गए, बड़े बड़े लोग थे। कहां हुआ? घर में ही नहीं पहुंच सके। अभी बगदाद में अमेरिका ने बम छोड़ा, कितने आदमी मरे वो जानते थे जब भी मरेंगे? अभी कोई महायुद्ध हो जाए कोई ठीक है जो कब कौन मरेगा? अभी घर का छत गिर जाए कब कब क्या हो जाए कोई ठीक है? इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। न तब प्रयासो कर्तव्य जत आयु व्यय धर्म, तो हम लोग सुखी कैसे रहेंगे, धन नहीं कमाएंगे? अरे तुम ये मत समझो जो रुपये से परिश्रम करने से ही कर्म करने से ही धन आ जाएगा। एक आदमी एक अंधे कुल में अंधे होकर के जन्म लिया दरिद्र के घर में, क्यों? और एक यहां के प्रेसिडेंट के घर में एक बच्चा जन्म लिया, क्यों लिया? उसका स्वस्थ शरीर है, बुद्धि भी तेज है, थोड़ा सा कुछ पढ़ता है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, और एक लड़का अंधा लंगड़ा बूढ़ा गरीब दरिद्र घर में जन्म लिया, दिन भर काम करता पेट नहीं भरता, ऐसा क्यों हुआ? परिश्रम किया उसने और दूसरे ने परिश्रम किया था जो ऐसा हो गया, क्यों हो गया इसके लिए सोचिए। हमारे देश में एक गरीब घर के लड़के थे लाल बहादुर शास्त्री, वो प्रधानमंत्री हो गए, कैसे हो गए? कोई धनी घर में जन्म ग्रहण किया, क्यों जन्म ग्रहण किया? एक दरिद्र घर में लंगड़ा बुला क्यों जन्म हुआ? अपने कर्मों के देश, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया है उसके प्रभाव से तुम कुछ नहीं करने पर राज घराने में जन्म होगा और बड़े सुख भोगेगा, और यदि होगा तो खुदा छप्पर फाड़ करके तुम्हें दे देगा, और नहीं तो दिन रात परिश्रम करने पर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए इसके लिए चिंता मत करो, जिसको भगवान ने पेट दिया है शरीर दिया उसके कर्म के साथ में दिया है, जिसने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग करेगा बाध्य होकर के, नहीं तो दिन भर करने से भी कुछ नहीं होता। और जो काम कुछ नहीं करता तो फिर देखते हैं कि सुखी है, क्यों? अरे पूर्व जन्म का ये फल भोग रहा है, अब इस जन्म में तुम ऐसा अच्छा नहीं कर्म करेगा फिर न जन्म तुम क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। हम लोगों को तो कुछ करते तो नहीं है, कैसे भोजन होता है, कैसे करते हैं, कपड़े कहां से आते हैं, आज विश्व का भ्रमण कर रहा हूं कहां से पैसे आ रहे हैं, एक पैसे का तो मैं काम तो कोई नौकरी चाकरी बाड़ी के व्यवसाय खुद तो करता नहीं, क्यों हमको खाने के लिए इतने आदमी लड़ाई करते महाराज आज हमारे घर में प्रसाद खा लीजिए, आज हम लोग आपको खिलाएंगे, आपका किराया हम देते हैं, हमारे देश में आइए, विश्व में सब जगह से करते हैं, क्यों? मैं क्या करता हूं? केवल करता हूं भगवान का थोड़ा सा नाम करता हूं और भगवान का भजन करता हूं, इसलिए आज हमारे पास में लाखों आदमी आ जाए उनके खाने के लिए कोई चिंता नहीं रहती है। अभी उत्सव हम लोग करेंगे जिसमें कि 20-25 हजार आदमी आएंगे, 10-15 दिन तक ऐसा ही सदा व्रत चलता रहेगा, दोनों बार खाएंगे, कहां से आता है भगवान का भजन करने से? ऐसा ही ऐसा मत समझिए जैसे ऐसा हमने
जो हम परिश्रम करके कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पूंजा परिवार के पास में अभी पैसे हैं, बड़ा बड़ा कार पार है, उनसे बहुत परिश्रम करने वाले लोग, उनको भूख उनका पेट नहीं भरता, इन लोगों के घर में जो जन्म लेते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पूर्व जन्मों का कुछ है। इसलिए इस जन्म में कुछ भगवान का भजन करो, कुछ ऐसे कर्म करो जो भविष्य जन्म के लिए होगा। इसलिए वहां पर बच्चों से कह रहे हैं, देखो इसके लिए प्रयास मत करो जब मैं अपने कर्मों से सुखी हो जाऊंगा, यह जन्म तो केवल भगवान का भजन करो और जैसा जैसा तुम्हारा समय आ रहा है उसी के अनुसार में अपना जीवन पालन करते हुए, कर्तव्य करते हुए भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना बहुत परिश्रम नहीं है, बस उनको केवल प्रणाम कर दो, कह दो हे प्रभु मैं आपका, इसमें क्या लगता है, राम राम कह दो, राम राम नहीं आता है, मरा मरा कह दो भाई, तब तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, नाम लेख भव सिंधु सुखाही, करो विचार जन मनवाए, विचार तो करो, मनुष्य हो, बुद्धि दिया है भगवान ने, इसका उपयोग तो करो। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, देखो 100 वर्ष की आयु भगवान ने दी, तुमने बनाई मनुष्य शरीर, तुमने बनाया, भगवान ने कृपा करके दिया, और 100 वर्ष की आयु में देखो 50 वर्ष सोने में रात में चला गया, और अचितेंद्रिय व्यक्ति हैं जो शराब पीने वाले हैं, और वो तो जीवित होते हुए भी मरे हैं, उनका तो सभी सारा समय भी बर्बाद जाता है, तो आधा समय तो सबका ही चला जाता है सोने में, और आधी आयु में से जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक तो ऐसे ही चला गया, इसके बाद स्कूल कॉलेज में गए, एक्सपर्ट होते किसी विषय में उनको लग गया करीब 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 20 वर्ष का, आजकल तो लगता है 25-30 वर्ष तक एक्सपर्ट होते हैं, कॉलेज में जाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, फेल हो गए तो दूसरी बात हो रही, कोई कोई 5 वर्ष तक एक ही जगह में बीकॉम में फेल हो जाते हैं, वो बीकॉम के बाद में नजर के आए होते हैं वो हो जाता है, तो इस तरह से वो तो गया 50 वर्ष, और इधर में 20 वर्ष की आयु ऐसे ही पढ़ने एक्सपर्ट में हो के चला गया, और अंतिम जो आयु है 80 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु, वो बुढ़ापे की स्थिति, उसमें में शरीर भी सुधार नहीं होता, आंखें कम देती है, केश पक जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, चलते हैं तो लकड़ी की सहायता से, कोई पूछता नहीं, जिसको आपने सब धन संपत्ति देकर के बढ़ा दिया वही आपको दूध के से मक्खी जैसे फेंक देती है, वैसे ही आप ऐसा निर्विघ्न करेंगे आपकी बात को नहीं चुनेगा, उसमें जंगल में बाण चूलते हैं, तो ये 20-20 और गया करीब करीब कितना 50 और उधर है 20 90 वर्ष चला, 10 वर्ष कहा, अब 10 वर्ष में भी अपना तो काम करना है, विवाह शादी करना है, घर बार करना है, मकान लेना है, इधर में कार रहने, यदि कार नहीं तो जीवन भी लिखा गया, यदि ये सब उपकरण नहीं है आपके घर में तो जीवन भी वृद्धा है, इस तरह से ये 10 वर्ष की अपरंत कामनाओं में बीत जाते हैं, कैसी कामनाएं में बीत जाते हैं, एक गरीब आदमी भिक्षा मांगने के लिए जाता है, भिक्षा मांगते मांगते एक दिन किसी थोड़ा सा सबको मिल गया, सबको मिल गया तो लेकर के अपने पास रखा, और रख करके दोपहर में जेठ की दोपहर में उसको गया एक कुम्हार के घर जो बर्तन मिट्टी का बनाते हैं, तो मिट्टी का बना करके उसको पका करके वो बेचते हैं, तो वो एकदम चारों तरफ अपने घर में सजा करके रखा था, और दोपहर में सोते सोते नींद तो आई नहीं, सोचा तो ये जो एक पौवा सबको मिला है आधा पौवा खाऊंगा आधा पौवा रखूंगा, 4-5 दिन में एक शेर हो जाएगा बचा लूंगा, इसको बेच दूंगा, और फिर ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद में हमारे पास में 100 रुपए हो जाएंगे, एक दुकान कर लूंगा और दुकान में एक नौकर रखूंगा, और फिर मैं वो दुकान की पूंजी बढ़ा करके बड़ी दुकान करूंगा, और फिर उसे कारोबार कर करके विराट में कारोबार कर करके लखपति हो जाऊंगा, तो जिन लोगों से आज कैसे मांगता हूं देते नहीं, उन बदमाशों को मैं देख लूंगा, एक यज्ञ हमारे पास आएंगे एक लठिया उठाकर एक लठिया मार दूंगा, और जैसे उसने लठिया जो पास में रखी थी घुमाया एक उसका घड़ा टूट गया,
और फूटने से जितनी खड़े थे वो सब घर 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 कर करके फूट गए। घर का मालिक आया, अरे ये तुमने क्या कर दिया, लठिया लेकर तो उसके मारने के लिए। तो ऐसे ही हमारे अरमान होते हैं दिन रात, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और करते करते 10 मिनट में चले गए। कहां भगवान का भजन? प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो भैया बचपन से ही भगवान का भजन करो, गुरु पदाश्रय करके सदगुरु और उनसे शिक्षा लो, सहज रूप में कैसे हम जीवन का निर्वाह करते हुए माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के साथ में रह करके सहज रूप में भगवान का भजन करेंगे और इस संसार को पार करके अंत में सहज ही भगवान को प्राप्त करेंगे। अरे तुमने कहां से ये सीखा? हमारे साथ में सीखा। और हाँ हाँ पालो, जब हमारा पिताजी चला गया है वन जंगल में तपस्या करने के लिए, उस समय देवताओं ने आक्रमण किया और सबको मार करके हमारी मैया को पकड़ लिया और ले जाने लगे, ये इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र है, ये तो महाभारत कहां होगा, ये हमें मारेगा, इसलिए इसको हम जब पैदा होगा तो उसे मार डालेंगे। इसलिए प्यादु को ले गए, किंतु स्त्री को नहीं मारना चाहते थे, पुत्र को मारना चाहते थे। इतने में नारद दिया गए, नारद बोले भाई इसके पेट में तो एक परम भक्त है, इसको कोई नहीं मार सकता विश्व में, इससे इसको कृपया करके छोड़ दो। ये सुनकर के इंद्र ने उसकी परिक्रमा की और उसे छोड़ दिया। नारद जी उसे आकाश मार्ग से लेकर के अपने आश्रम में रखा और 60,000 वर्ष तक जब तक वो तपस्या करता रहा, वेद वेदांत भागवत गीता भागवत सबको उन्होंने सुनाया और इसे बचपन में ही माँ के गर्भ में ही संस्कार के द्वारा वो सब सीख लिया। मैया भूल गई किंतु वो भूला नहीं, इसलिए बचपन से वो भगवान का इस तरह से संस्कार की जरूरत है। आज सब संस्कार नहीं करते, इसलिए पुत्र भी कुपुत्र होता है, लड़कियां भी वैसे ही कुपुत्री होती है, इसलिए भारतीय संस्कार होना चाहिए, साधु संतों का आश्रय करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से बहुत शिक्षा हमने प्रहलाद महाराज जी से, और थोड़ी सी शिक्षा ही, अब समय हो गया है, आज यही परम कथा का विराम दे रहे हैं, कल हम लोग अंतिम कथा है और सब लोगों की इच्छा यह है कि जितने लोग आए हैं हरिकथा सुनने के लिए उनको संवाद दे दिया जाए, कल यहीं पर प्रसाद बनेगा और ठाकुर जी का प्रसाद सबके लिए सुलभ रहेगा, सभी लोग प्रसाद प्राप्त हो जाए। और पैसे की प्रणामियों में के लिए चिंता मत करें, उनको एक पैसे की प्रणामी नहीं लेना होगा, यदि दे देंगे तो ठीक है अपने लिए ही देंगे, नहीं तो प्रणामी के लिए भी जरूरत नहीं है। हरिकथा सुन करके प्रसाद पा करके कल जाए, हम लोगों का भी अंतिम दिवस है। मैं चाहता था यह संदेश सब लोगों के कानों में जाए, सब लोग सुने और मैं भारतवर्ष में जाऊं। मैं बहुत प्रसन्न होकर के जाऊंगा जो बहुत से लोग यहाँ पर सुने और कुछ लोगों ने इसको ग्रहण किया। आप लोग ग्रहण करेंगे, कुछ भी नहीं हो तो अपने घर में ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक महामंत्र की धुन लगाओ, हरे कृष्णा Hare Krishna